देश दुनिया की हर वड्डी खबर दे हमें डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। साथियों, सबसे पहले तो आज पूरे देश भर में भारत बंद का जो किसान आह्वान किया वो बहुत जबरदस्त तरीके से सफल रहा। देश भर में किस्म किस्म के लोगों ने अपने अपने तरीके से आज भारत बंद का समर्थन किया। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के लोगों ने भी और आम जनता ने भी खूब जम के समर्थन किया। मैं सभी किसान भाइयों को और देश की जनता को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुझे बेहद खुशी है कि सारा देश एक साथ किसानों की इन मांगों के समर्थन में एकजुट हो गया। एक तरह से एकता आ गई है, यूनिटी आ गई है। दोस्तों, आज मेरा भी मन था, मैंने भी प्लान कर रखा था कि आज मैं थोड़ी देर के लिए मुख्यमंत्री बन के नहीं, एक आम आदमी बन के बॉर्डर पे जाऊंगा और आधा पौना घंटा अपना उनको समर्थन देने के लिए और एकजुटता जाहिर करने के लिए एक आम आदमी की तरह बस उनके साथ बैठूंगा और वापस आ जाऊंगा। आज ये मैंने प्लान कर रखा था। मुझे लगता है उनको मेरी प्लानिंग शायद पता चल गई, तो आज उन्होंने जाने तो नहीं दिया, लेकिन कोई बात नहीं। घर बैठ के मैं प्रार्थना कर रहा था भगवान से कि ये आंदोलन, देश का आंदोलन सफल हो, और ये बहुत सफल हो। इन्होंने कुछ दिन पहले, जैसे अभी मनीष जी ने बताया, सब लोगों को पता भी है, कुछ दिन पहले हमारे पास इनका प्रस्ताव आया था केंद्र सरकार का। जब देश भर से किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे थे तो पहले तो इन्होंने हरियाणा के एक 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 शहर में उनको रोकने की कोशिश की, बैरिकेड लगाए, पत्थर के बैरिकेड लगाए, पानी की बौछार करी, आंसू गैस के गोले छोड़े। लेकिन हमारे किसान भाई भी, उन्होंने भी सारे अड़चने पार करके वो दिल्ली पहुंच गए। तो इन्होंने ये प्लानिंग करी थी कि इनको दिल्ली में आने देंगे, और दिल्ली में इन्होंने 9 स्टेडियम, बड़े बड़े 9 स्टेडियम को जेल में परिवर्तित करने की परमिशन मांगी, जेल घोषणा करने की परमिशन मांगी। मेरे को अन्ना जी, अन्ना आंदोलन याद आ गया, उस टाइम भी याद है, इन लोगों ने बड़े बड़े स्टेडियम जेल बनाए थे, हम लोग भी उसी जेल में रुके हुए थे। जेल में डाल देते थे, आंदोलन को कमजोर कर देते थे, और एक आध दिन में आदमी फिर चला जाता था। तो मेरे को पता था कि अगर आज हमने इनको आंदोलन, इसको जेल बनाने की इजाजत दे दी, इन्होंने और इन्होंने सारे किसानों को जेल में, इन स्टेडियम में बंद कर दिया, तो हमारे किसानों का आंदोलन कमजोर पड़ जाएगा। हमारे ऊपर खूब दबाव आया, तरह तरह का दबाव आया, बड़े फोन आए, लेकिन हमने भी ठान ली थी कि हम किसानों के साथ हैं। हमने इनको परमिशन नहीं दी। उससे मैं समझता हूं कि आंदोलन को काफी मदद मिली, और तब से केंद्र सरकार बहुत ज्यादा नाराज है कि इन्होंने परमिशन क्यों नहीं दी। उसके बाद जब बॉर्डर के ऊपर अब हमारे किसान बैठे हैं, मैं आप सब लोगों को बधाई देना चाहता हूं। मैं आप जानता हूं आप में से कई एमएलए हैं, कई मंत्री हैं, आप में से कई कार्यकर्ता हैं, आप लोग भी और दिल्ली की जनता भी रोज जाके उनकी सेवा कर रहे हैं, सेवादार की तरह। सब लोगों को हमने हिदायत दे रखी है, कोई टोपी पहन के नहीं जाएगा, कोई वहां आम आदमी पार्टी का नाम नहीं लेगा, कोई पट्टा पहन के नहीं जाएगा, सारे
देशभक्त बनके भारतीय बनके वहां जाएंगे और अपने किसानों की जाके सेवा करेंगे। ये हमारे किसान पूरी जिंदगी से अपनी रात दिन 24 घंटे खून पसीने बहा के पूरी जिंदगी हमारी सेवा करते हैं। पहली बार आपको मौका मिला है इनकी सेवा करने का। तो मैं जानता हूं आप में से कई लोग फल लेके जाते हैं, खाना लेके जाते हैं, कुछ लोगों ने वहां पे टॉयलेट्स की जिम्मेदारी ले रखी है, कुछ लोगों ने पानी की जिम्मेदारी ले रखी है, अलग अलग तरह से सेवा कर रहे हैं। कल सुबह मैं भी सेवादार बन के गया था। मैंने बोला, मैंने कहा मैं आपका मुख्यमंत्री बन के नहीं आया, मैं आपका सेवादार बन के देखने आया हूं भाई किसी चीज की कमी तो नहीं है। इससे भी केंद्र सरकार बड़ी नाराज थी कि भाई एक तो वो आए, उनको हमने परमिशन नहीं दी स्टेडियम को जेल बनाने की, और दूसरा उनकी सहूलियतों के लिए। वैसे तो एक बात बताऊं, जितनी मर्जी सहूलियत कर लो, इतनी रात को ठंड में, कड़कड़ाती ठंड में आसमान के नीचे सड़क पे सोना कोई छोटा काम नहीं है, मजाक नहीं है। उसके लिए तो मैं उनको सलाम करता हूं। लेकिन फिर भी जो भी हमसे बन पड़ रहा है हम लोग कर रहे हैं, इसके लिए भी ये बहुत नाराज हैं केंद्र सरकार। तो अब इन दो दिन इन लोगों ने कोशिश की कि किसी भी तरह से मैं बाहर ना निकल जाऊं, क्योंकि आज अगर ये लोग रोकते नहीं तो शायद थोड़ी देर के लिए मैं वहां जाता। वो नहीं चाहते थे कि मैं उनके बीच में जाऊं, उनका उनके साथ बैठ के उनका समर्थन करूं। लेकिन कोई बात नहीं, यहां बैठ के प्रार्थना की, प्रभु से प्रार्थना की कि हमारा आंदोलन सक्सेसफुल हो। आंदोलन बहुत अच्छा रहा। अब मैं उम्मीद करता हूं, मैंने सुना है कि आज 7 बजे भी शाम को मीटिंग है, कल भी मीटिंग है। मैं उम्मीद करता हूं कि केंद्र सरकार किसानों की सारी मांगे माने, जो भी इनकी मांगे हैं। कह रहे हैं जी जो कानून पास किए वो किसानों के हित में है। जिसके हित में है वो तो माने भाई, हमारे हित में है। वो कह रहे हैं भाई हमारे हित में नहीं है, इनको वापस ले लो। तो फिर अगर वो कह रहे हैं हमारे हित में नहीं है, वापस ले लो, तो वापस ले लो। फिर इनके साथ बहसबाजी किस बात की। तो मैं उम्मीद करता हूं कि केंद्र सरकार जल्द से जल्द किसानों की सारी बातें मानेगी, किसानों की सारी मांगे मानेगी, MSP पे कानून बनाएंगी, ताकि हमारे किसानों को अब और ज्यादा दिन कड़कती ठंड में ना बैठना पड़े। आप सब लोगों से भी यही निवेदन है कि जब तक किसान बैठे हैं, जिस देश का किसान और जिस देश का जवान दुखी है, वो देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता। तो जब तक हमारे देश का किसान दुखी है, तब तक हम लोग को भी चैन से नहीं बैठना। हमें उनकी पूरी मदद करनी है, राजनीति से ऊपर उठ के मदद करनी है, कोई राजनीति नहीं करनी, और बिल्कुल सेवा भाव से आप लोगों को जब तक किसान बैठे हैं तब तक उनकी सेवा करनी है और उनके साथ मिलके उनका साथ देना। तो आप सब लोगों ने आज भी बहुत धैर्य के साथ बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को कंडक्ट किया, और मुझे पता चला ITO के ऊपर भी आपका काफी अच्छा प्रदर्शन रहा। उसके लिए आप सबको बधाई देते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद पंडित मौलवी बेगम तांत्रिक इन चोरा ठगा तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण सट्टा नंबर लव मैरिज पति पत्नी च अनबन विदेश च पक्का होना कारोबार दा ना चलना सिर्फ 31 घंटिया विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद मोबाइल 84374 94647 84374 94648।